हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज ही हमारे पास रेडमी का ट्रू वायरलेस एयरफोन 2C ये मुझे आज ही मिला है डिलीवर MI की तरफ से। दिवाली विथ MI, तो चलिए देखते हैं कैसा मिलता है मुझे प्रोडक्ट, क्या क्या मिलता है उसके अंदर का सामान। तो आइए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, हमने यहाँ से इसको खोल लिया है चाकू से, देखिए क्या क्या मिलता है सामान इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो ये देखिए, साथ ही मिलता है हमें MI केबल, और देखिए इसके अंदर कौन क्या सामान मिलता है मुझे। ये मिला है जिसमें ये हमारा वायरलेस एयरफोन है। ये देखिए MI ट्रू वायरलेस एयरफोन 2C, देखिए क्या क्या मिलता है सामान आपको इसके अंदर। हालांकि ये तो बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और अंदर से देखते हैं इसकी क्या है बिल्ड क्वालिटी, इसके अंदर क्या क्या मिलता है आपको सामान, और कैसी है इसकी बैटरी क्वालिटी। तो चलिए ये सब आपको बताते हैं। तो फिर इसको करते हैं अनबॉक्स, खोलते हैं इस पैकेट को। तो ये देखिए चाकू से इसको यहाँ से हम काट लेते हैं इसको। अब इसको खोलते हैं, अंदर से देखते हैं कैसा मिलता है आपको। बहुत मैं एक्साइटेड हूँ दोस्तों। अगर आप लोग भी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये हमारा न्यू चैनल है। देखिए ये आपका दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से। इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है ये अंदर से। तो ये थोड़ा सा स्टिकी है, चिपका हुआ है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर मैनुअल गाइड। तो इसमें क्या क्या है आप यहाँ से अगर चाहें तो आप रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए और भी अंदर क्या क्या मिलता है आपको। यहाँ से देखिए ये आपको निकलता है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी बनाया गया। देखिए देखने में बहुत ही एकदम मैट फिनिश में दिया गया है, वाइट कलर का, बहुत ही बेहतरीन, दिखने में बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक बने रहें। चलिए इसको खोलते हैं। अब ये हमने ऊपर से जो इसका रैप है हमने हटा दिया, अब अंदर से देखते हैं कैसा मिलता है। चलिए इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या मिलता है मुझे, इसका चार्जर कैसा मिलता है। तो चलिए इसका चार्जर देखते हैं कैसा मिला है। सॉरी दोस्तों, इसको हमें फाड़ना पड़ा, वैसे उस साइड से भी पीछे से भी खोल सकते हैं। तो ये मुझे मिलता है Type-C केबल, छोटा सा केबल है। तो ये जो है Type-C में दिया गया रेडमी की तरफ से। तो ये एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन है कि Type-C मिलता है, जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये है, चलिए देखते हैं इसको ओपन करके इसके अंदर क्या मिलता है। देखिए पहले इसकी क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो आपको मिलता है ये रेडमी की तरफ से आपको 20 घंटे का बैकअप बोला गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कितना बैकअप देता है। और इसकी जो एयरफोन है वो आपको 5 घंटे लगातार आप कंटिन्यू गाने सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना आपको मिलता है। ये देखिए हमने इसको ओपन कर लिया है, और लाइट देखिए, इसकी लाइट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए खुलने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा, ये आप हल्का सा इसको पुश करिएगा, ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। और इसमें थोड़ा मैग्नेट दिया गया है चिपकने के लिए, और यहाँ से देखिए ये आपको लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसके नीचे से जो है चिपका हुआ है। तो इसको हम अच्छे से, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, उसके बाद हम इसको चार्ज पर लगाने के लिए देंगे। वैसे ये चार्ज वगैरह इसी से होता है, मैग्नेट के थ्रू होता है चार्ज ये। तो आप इसको जैसे ही इसमें रखते हैं केस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ये शानदार रेडमी की तरफ से बनाया गया है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस जो इसका रेट है 2499 रुपये, आई थिंक कोई ख़ास ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको इतना में ही आपको बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी मिल जाता है, जो कि रेडमी की तरफ से जो एकदम बिल्कुल ही शानदार। थोड़ा सा ये जो ऊपर का जो ऐसे सीधा कर गया, हालांकि ये रेडमी जो है कॉपी नहीं कर सकता आईफोन का, लेकिन फिर भी अपने तरीके से बनाया बहुत अच्छा। चलिए इसको करते हैं कनेक्ट ब्लूटूथ से, कैसे कनेक्ट होता है। तो हमने ब्लूटूथ को खोल लिया है। आइए अब केस को करते हैं ओपन। तो यहाँ से हमने केस को ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर अब हम ब्लूटूथ को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, एक लाइट ब्लिंक कर रहा है एक ही एयरफोन का। तो आपको वहाँ पे थोड़ा 3 सेकंड प्रेस करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए होल्ड करना पड़ेगा। तो देखिए इसको होल्ड करते हैं यहाँ से। देखिए अभी जल रहा है दोनों लाइट, ये सिंगल लाइट जल रहा है इसमें, और एक लाइट में अभी नहीं ब्लिंक कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो और भी आपको डिटेल्स में आपको मैं अभी आगे दूँगा
क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट हमारे पास आया है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले वीडियो के लिए। अभी देखिए यहाँ पर आ गया आपको MI ट्रू वायरलेस 2C, यहाँ पेयर का ऑप्शन है। हम जैसे ही केस से बाहर निकाले, कनेक्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया मुझे। ये देखिए अभी भी 90% चार्ज है हमारा ये, तो इसकी बहुत ही बैटरी क्वालिटी मुझे ख्याल से बहुत अच्छी होगी। अब आगे वीडियो में आपको हम इसका टेस्ट करके आपको बताएँ कितनी क्वालिटी है। चलिए फिर से करते हैं कनेक्ट आपको। वैसे हमने अभी फ़िलहाल 1 घंटा इसको यूज किया, लेकिन मुझे बहुत ही बेहतरीन इसका आवाज़ लगा है, और मुझे डर था कहीं ये कंफर्टेबल ना हो, बट हमने यूज किया, ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। थोड़ा सा अब मतलब रनिंग नहीं कर सकते हैं, बट ये बाकी ठीक है। एक बार आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं किसी फ़ोन में, केस को ओपन करते हैं, आपको इंस्टेंट रिकनेक्ट हो जाता है वहाँ से। आप किसी नए फ़ोन में करते हैं तो आप केस में रख करके फिर आप उसको कनेक्ट। दोस्तों तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मात्र 2500 रुपये के अंदर आपको मिलता है। तो ये इतनी कम बजट में आपको शायद इस क्वालिटी के साथ आपको नहीं मिलेगा। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे ईयरफोन आपको मिलते हैं जो कि आपको शायद बैटरी बैकअप इतनी नहीं देगी, और इसकी जो ड्राइवर है दोस्तों 14.2 mm का जो ड्राइवर दिया गया है वो बिल्कुल ही बेहतरीन है, और क्वालिटी इसकी आवाज़ इसकी लाउड है। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इसमें कम लगी है, आवाज़ तो इसकी लाउड बहुत ज़्यादा है लेकिन बेस थोड़ी बैलेंस नहीं है, बट फिर भी आई थिंक ठीक है। एवरेज 2500 के आप रेंज में आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतरीन आप और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जहाँ आप इतने कम पैसे लगा रहे हैं तो आई थिंक आपको जितना आपको मिल रहा है इसमें आई थिंक वो काफ़ी है। बाकी दोस्तों आप खुद भी अगर लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी क्वालिटी और जो साउंड क्वालिटी है ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक ठाक है। अगर आप सिर्फ बेस के लेना चाहते हैं तो इसकी बेस उतनी अच्छी नहीं है मैं ये, बट आपको इसकी जो क्वालिटी मिलेगी साउंड क्वालिटी वो आपको अच्छी मिलेगी, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।